दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डीजी पे ओपन क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप दोस्तों डीजी पे को लॉग इन कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों डीजी पे नॉट अलाउड का ऑप्शन आ रहा है। तो आखिर ये क्यों आ रहा है? तो बहुत सारे वीएलई परेशान है क्योंकि ना ही पे आउट हो रहा है और ना ही डीजी पे का जो बैलेंस है वो सीएससी वॉलेट में ट्रांसफर हो रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रीजन है और ये कब तक दोस्तों ठीक हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सीएससी से जुड़ी लगातार इस चैनल पर वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सीएससी से जुड़ी जितने भी सर्विसेज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल वीडियो होता है वो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना, सीएससी आईडी की सूची डीजी पे निष्क्रिय, नकारात्मक पिन कोड 11371 वीएलई का जो आईडी है, जो डीजी पे आईडी है उसको ब्लॉक किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना ब्लॉक किया गया है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एईपीएस जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, धोखाधड़ी तो गतिविधि हाल ही के कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, इसीलिए एनपीसीआई ने उन्हें उन टर्मिनलों को ब्लॉक करने की सलाह दी है जो इस पिन कोड में पंजीकृत है। आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो डीजी पे है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर है, उनके द्वारा ही दोस्तों आपका जो आईडी है उसे चालू किया जाएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कितना जो है आईडी को ब्लॉक किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोकारो में 4 है, चतरा में 428 है, देवघर में 1558 है, धनबाद में 284, दुमका में 328, साथ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं दोस्तों, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे देख लीजिए कि इतना आईडी जो है सीएससी आईडी का जो डीजीपी आईडी है उसे ब्लॉक कर दिया गया है फिलहाल। ठीक है, तो जैसे दोस्तों गतिविधि को चेक कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों जो भी आपका पैसा है वॉलेट में वो आप निकाल पाएंगे, लेकिन अभी नहीं निकाल पाएंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा वो मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, अगर कोई भी अपडेट आता है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि जो वीएलई परेशान है, डीजीपी को लॉगिन करना चाहते हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से एरर आ रहा है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अभी डीजीपी वर्क नहीं कर रहा है। तो आप वेट कीजिए, नया अपडेट जैसे ही आता है आप लोगों के बीच शेयर किया जाएगा। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सीएससी से जुड़े लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों क्लियर हो जाता है, जैसे ही लॉगिन होता है, कोई भी नया अपडेट आता है तो डायरेक्ट आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्लिक करके जुड़िए और उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।